आखिरकार क्यों बैन हुआ 2000 का नोट, चलिए जानते हैं हमारी इसी वीडियो में। नोट को भारत में 2016 से बैन किया गया था। इसे इसीलिए किया गया था कि जो करप्शन और काउंटरफिटिंग को रोका जा सके, और इससे ब्लैक मनी को भी रोकने का उद्देश्य था सरकार का। इसे बैन करने की पीछे और एक उद्देश्य हो सकता है कि अगर ऐसा करो तो हाई डिनोमिनेशन नोट्स को मार्केट से बाहर किया जा सके और डिजिटल मनी को प्रमोट किया जा सके। इस नोट को बैन करके गवर्नमेंट ने भारत में इलीगल एक्टिविटी को रोकने का उद्यम भी कर रही है। ठीक इसी तरह का एक उद्यम 6 साल पहले किया जा चुका है। उसमें गवर्नमेंट ने पुराने 500 और 1000 नोट्स को बैन कर दिया था। आरबीआई के पॉलिसी को देखो तो मालूम पड़ता है कि उसने 2000 नोट्स को 2016 में लॉन्च किया था ताकि पुराने नोट्स के बंदे होन पार भी न्यू नोट्स चल सके और मार्केट में नोट्स की शॉर्टेज ना हो। लेकिन मालूम पड़ा कि इसी डिसीजन ने आरबीआई की नाक में दम सा कर दिया, क्योंकि बाद में देखा गया कि ये जो 2000 की नोट्स है, लोग इनका यूज बड़े बड़े ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्डरिंग जैसे काम में लगाने लगे, और ऐसी पॉलिसी को आरबीआई के भाषा में क्लीन नोट पॉलिसी कहा जाता है। जैसे कि ऐप देख सकते हैं अपने स्क्रीन को पॉज करके कि यहाँ जो भी लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरबीआई ने साफ कहा है कि जिस किसी के पास भी 2000 की नोट्स है वो सितंबर 2023 के सुधा इसे अपने पास बैंक में जमा करके इसके बदले अलग नोट्स ले सकते हैं। और यहाँ एक लिमिट फिक्स किया गया है कि कोई भी आदमी जिसका बैंक में अकाउंट हो या ना हो वो 20,000 तक एक दिन में नोट की अदला बदली बैंक में कर सकता है, और ये एक्सचेंज का डेट में 23 से लागू हो जाएगी सारी भारत वर्ष में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।